GiveAndTake.World आर्थिक रूप से सुरक्षित होने का एक अभिनव तरीका। आपका अभिनंदन। नमस्कार। GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी दुनिया के लिए कोविड महामारी का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। भले ही कोविड के टीके हमारे जीवन को बचाने के लिए आ गए हैं, पर महामारी से हमारे स्वास्थ्य और धन पर जो आघात पड़ा है, हम उससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। लोगों के लिए इस आर्थिक संकट से खुद को उभारना बहुत मुश्किल होगा। इस संकट के समय एक समुदाय के रूप में हमें अपने आसपास के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और क्या होगा यदि कोई ऐसा तरीका हो जिसमें आपने किसी को आर्थिक मदद दी और आपको उससे कमाई भी वापस मिले? क्या आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है? इसका उत्तर है GiveAndTake.World, दुनिया का पहला ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म आपको ये हासिल करने में मदद करेगा। GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ऑनलाइन मीट प्रतिदिन रात 8 बजे। इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने से पहले आपको सबसे पहले स्वयं GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से समझना चाहिए, विशेषतः इसके विचार, नियम और शर्तों के बारे में। आपको मात्र 10 लोगों की बिना कोई शर्त के मदद करनी है और बदले में आप सीधे 150 रुपए से 82,95,500 रुपए तक की वित्तीय सहायता दूसरों से पा सकते हैं। GiveAndTake.World के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑनलाइन मीट में भाग ले सकते हैं, जो हर रात 8 बजे आयोजित की जाएगी। हम मीटिंग में शामिल होने के लिए आपका स्वागत करते हैं। GiveAndTake.World क्या है? इस कार्यक्रम में जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की वित्तीय रूप से मदद करते हैं, तो बदले में आपको लोगों से सीधे तौर पर 150 रुपए से 82,95,500 रुपए तक की वित्तीय मदद मिलती है। इस तरह GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म दुनिया का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण हेल्प एंड अर्न प्रोग्राम यानी मदद करो और कमाओ कार्यक्रम बनता है। आप शायद सोच रहे होंगे ये उन मनी चेन प्रोग्राम्स की तरह है जिनके बारे में आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। GiveAndTake.World किसी मनी चेन जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाता और विश्वास दिलाता हूँ कि कैसे GiveAndTake.World एक मनी चेन की तरह नहीं है। GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म एक बिजनेस प्रोजेक्ट ब्रांड नेम है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत प्रशांत पनाचिक्कल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड है, जिसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में है। GiveAndTake.World केवल आपके लिए एक सेवा प्रदायक के रूप में कार्य करता है। सभी वित्तीय लेन देन केवल UPI वॉलेट के माध्यम से होंगे, जो कि GiveAndTake.World के रजिस्टर किए हुए सदस्यों के स्वामित्व में है। ये वित्तीय लेन देन 1 सेकंड के लिए भी GiveAndTake.World के बैंक खाते में से नहीं जाते। GiveAndTake.World पर आपको कोई उत्पाद खरीदने या बेचने की जरूरत नहीं है। GiveAndTake.World में शून्य जोखिम है, क्योंकि ये कोई निवेश योजना नहीं है। क्योंकि GiveAndTake.World में वित्तीय सहायता के लिए एक निश्चित सीमा है, जैसे कि मदद पाने और मदद करने के लिए और प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी के लिए आपको विश्वास दिलाया जाता है कि ये मनी चेन या मनी डबलिंग प्रोग्राम नहीं है। साथ ही GiveAndTake.World समानता भी सुनिश्चित करता है। GiveAndTake.World में सभी वित्तीय लेन देन जैसे मदद प्राप्त करना या मदद देना केवल रजिस्टर्ड सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खाते के माध्यम से होते हैं।
giveandtake.world ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गतिविधियां, प्राइस चेट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत नहीं आती है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए giveandtake.world द्वारा प्रदान की गई नवीनतम डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग शुल्क के रूप में सदस्य केवल प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी या PMF का भुगतान कर रहे हैं। PMF के रजिस्ट्रेशन को छोड़कर बाकी सभी PMF का भुगतान सदस्य के खाते में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। अन्य सभी कंपनियों में कंपनियां अपना मुनाफा प्राप्त करने के बाद ही सदस्यों को धन वितरित करती हैं, लेकिन giveandtake.world पर सदस्य पहले धन प्राप्त करते हैं। यदि आप ऊपर दिए गए स्टेटमेंट की जांच करते हैं तो आप पुष्टि कर सकते हैं कि giveandtake.world एक मनी चेन प्रोग्राम नहीं है, जैसा आप पहले सोच रहे थे। अब मुझे समझाने दीजिए कि आप दूसरों की आर्थिक मदद करके धन कैसे कमा सकते हैं। पहले आप giveandtake.world मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए giveandtakers से, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, संपर्क करें या किसी सक्रिय सदस्य द्वारा आपको दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड करें। giveandtake.world मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। उसके बाद जब आप इनिशियल प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी का ₹450 प्लस GST भुगतान करते हैं, giveandtake.world के सबसे मॉडर्न मोबाइल ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको उन 10 सक्रिय सदस्यों को वित्तीय सहायता देनी है जो पहले से ही giveandtake.world प्लेटफॉर्म के कुछ अन्य सदस्यों की मदद कर चुके हैं। इन 10 सदस्यों की सहायता के लिए आवश्यक कुल राशि ₹17,150 है। यदि आपके पास उपरोक्त राशि अभी नहीं है तो आप शुरुआत में कुल ₹2,150 के साथ 5 सदस्यों की मदद करके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आप बचे हुए 5 सदस्यों को बाद में आर्थिक मदद कर सकते हैं, जब आपको giveandtake.world के अन्य सदस्यों से आर्थिक मदद मिलने लगे। एक बार जब आप पहले 5 सदस्यों को वित्तीय सहायता देना पूर्ण कर लेते हैं तो आपको एक इनविटेशन लिंक मिलेगा। फिर आप giveandtake.world की प्रस्तावना अन्य लोगों को दे सकते हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, और आप उन्हें giveandtake.world प्लेटफॉर्म पर नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझाने के बाद आमंत्रित कर सकते हैं। फिर आपको उन व्यक्तियों को सिखाना चाहिए जिन्हें आपने फिर से वही प्रक्रिया करने के लिए आमंत्रित किया है। आपको उन्हें भी प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे दूसरों को सिखा सके। एक बार ये प्रक्रिया 10वीं स्टेज पूरी कर लेती है तो उन्नत डिजिटल तकनीकी प्रणालियों की सहायता से आपको giveandtake.world ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम ₹82,95,500 वित्तीय सहायता के रूप में मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद आपको कमाई कैसे होगी। मुझे समझाने दीजिए कि आपको अधिकतम ₹82,95,500 की राशि कैसे प्राप्त होगी, जब ऊपर चर्चा की गई प्रक्रिया दोहराई जाती है। पहले मैं giveandtake.world प्लेटफॉर्म की गिव हेल्प प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। पहले चरण में आपको ₹150 का भुगतान करके उस व्यक्ति की मदद करनी होगी जिसने आपको giveandtake.world प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया था। दूसरे चरण में आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसने पहले सदस्य को ₹200 देकर आमंत्रित किया था। तीसरे चरण में आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसने दूसरे सदस्य को ₹400 का भुगतान करके आमंत्रित किया था। चौथे चरण में आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे
जिसने तीसरे सदस्य को 600 रुपए का भुगतान करके आमंत्रित किया था। पांचवें चरण में आप उस व्यक्ति की सहायता करेंगे जिसने चौथे सदस्य को 800 रुपए का भुगतान करके आमंत्रित किया था। छठे चरण में आप उस व्यक्ति की सहायता करेंगे जिसने पांचवें सदस्य को 1000 रुपए का भुगतान करके आमंत्रित किया था। सातवें चरण में आप उस व्यक्ति की सहायता करेंगे जिसने छठे सदस्य को 2000 रुपए का भुगतान करके आमंत्रित किया था। आठवें चरण में आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसने सातवें सदस्य को 3000 रुपए का भुगतान करके आमंत्रित किया था। नौवें चरण में आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसने आठवें सदस्य को 4000 रुपए का भुगतान करके आमंत्रित किया था। दसवें और अंतिम चरण में आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसने नौवें सदस्य को 5000 रुपए का भुगतान करके आमंत्रित किया था। इन 10 सदस्यों को 10 चरणों के माध्यम से आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आवश्यक कुल राशि है 17,150 रुपए। इसके बाद मुझे givetech.world की रिसीव हेल्प की प्रोसेस समझाने दे। जैसा कि आपने 150 रुपए गिव हेल्प के पहले चरण में सदस्य को दिए, दो नए सदस्य आपको 150 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के पहले चरण में कुल 300 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 200 रुपए गिव हेल्प के दूसरे चरण में सदस्य को दिए, चार नए सदस्य आपको 200 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के दूसरे चरण में कुल 800 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 400 रुपए गिव हेल्प के तीसरे चरण में सदस्य को दिए, आठ नए सदस्य आपको 400 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के तीसरे चरण में कुल 3,200 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 600 रुपए गिव हेल्प के चौथे चरण में सदस्य को दिए, 16 नए सदस्य आपको 600 रुपए प्रत्येक कुल 9,600 रुपए रिसीव हेल्प के चौथे चरण में देंगे। जैसा कि आपने 800 रुपए गिव हेल्प के पांचवें चरण में सदस्य को दिए, 32 नए सदस्य आपको 800 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के पांचवें चरण में कुल 25,600 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 1,000 रुपए गिव हेल्प के छठे चरण में सदस्य को दिए, 64 नए सदस्य आपको 1,000 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के छठे चरण में कुल 64,000 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 2,000 रुपए गिव हेल्प के सातवें चरण में सदस्य को दिए, 128 नए सदस्य आपको 2,000 रुपए रिसीव हेल्प के सातवें चरण में कुल 256,000 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 3,000 रुपए गिव हेल्प के आठवें चरण में सदस्य को दिए, 256 नए सदस्य आपको 3,000 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के आठवें चरण में कुल 7,68,000 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 4,000 रुपए गिव हेल्प के नौवें चरण में सदस्य को दिए, 512 नए सदस्य आपको 4,000 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के नौवें चरण में कुल 20,48,000 रुपए देंगे। जैसा कि आपने 5,000 रुपए गिव हेल्प के दसवें चरण में सदस्य को दिए, 1,024 नए सदस्य आपको 5,000 रुपए प्रत्येक रिसीव हेल्प के दसवें चरण में कुल 51,20,000 रुपए देंगे, कुल 82,95,500 रुपए। इस प्रकार givetech.world ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म आपको वित्तीय सहायता के रूप में 150 रुपए से 82,95,500 रुपए तक 2,046 व्यक्तियों से प्राप्त करने का अवसर देता है। आपको अधिकतम राशि 82,95,500 रुपए मिलेगी जब जिन व्यक्तियों को आपने givetech.world पर आमंत्रित किया है वे
अन्य लोगों को मंच पर आमंत्रित करते हैं और मदद की प्रक्रिया 10वें चरण तक दोहराई जाती है। GiveAndTake.World केवल कुल 1,00,000 रुपए प्लस GST प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी या PMF के रूप में प्राप्त करता है। एक सदस्य 1,00,000 रुपए प्लस GST प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी या PMF के रूप में तब देगा जब उसे 10,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाएगी, वो भी 108 किश्तों में। ऊपर बताई गई प्रक्रिया से आपको ये आभास हो सकता है कि ये एक अन्य प्रकार का मनी चेन प्रोग्राम है। यदि किसी व्यवसाय मॉडल में केवल धन का लेन देन शामिल है और उत्पादों की बिक्री शामिल नहीं है तो उस व्यवसाय मॉडल को मनी चेन व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए UPI एप्लीकेशन जैसे भीम UPI, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, Amazon पे और अन्य 200 समान व्यवसाय जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्वीकार्यता से संचालित होते हैं और केवल धन के लेन देन से सरोकार रखते हैं, क्या हम इन प्लेटफॉर्म्स को मनी चेन बिजनेस कह सकते हैं? चिट्स और फाइनेंस कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और यहां तक कि बैंकिंग संस्थान भी केवल धन के लेन देन से सरोकार कर रहे हैं। GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म सार्वजनिक धन प्राप्त या वितरित नहीं करता है। हम केवल दयालु लोगों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जो पैसे की जरूरत में दूसरों को बिना शर्त के अनुशासित तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहते हैं। जब लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं तो GiveAndTake.World इससे कोई पैसा नहीं लेता है। हम केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग शुल्क के रूप में प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी या PMF प्राप्त करते हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे GiveAndTake.World आपसे प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी को प्राप्त कर रहा है। जब आप वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 रुपए प्राप्त करते हैं तो आप प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी के रूप में केवल 2,000 रुपए प्लस GST देंगे, वो भी 10 किश्तों के रूप में। 20,000 रुपए के चरण के पूर्ण होने के बाद आपको 1,000 रुपए प्लस GST का भुगतान प्रत्येक 10,000 रुपए की प्राप्ति पर 10,00,000 रुपए के स्टेज तक करना होगा। तो जिस स्टेज पर आप 10,00,000 रुपए प्राप्त करते हैं आपको 1,00,000 रुपए प्लस GST कुल प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी का भुगतान 98 किश्तों में करना होगा। अब भी आपको थोड़ा संदेह हो सकता है, यदि आप GiveAndTake.World में शामिल होने वाले अंतिम व्यक्ति है तो आप दूसरों से वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त करेंगे? आइए उस संदेह पर भी चर्चा करें। फेसबुक जो सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं वाला सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी कितने भी खाते खोल सकता है। 2004 में शुरू होने के बाद से यानी पिछले 17 वर्षों में केवल 285 करोड़ खाते रजिस्टर्ड हैं, जबकि पृथ्वी की जनसंख्या 775 करोड़ है। यही तथ्य अन्य उदाहरणों में लागू होता है, जैसे रेडिफमेल, याहू, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कई अन्य। राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर दिन 50,000 से ज्यादा लोग 18 साल के हो जाते हैं और हर दिन लाखों बच्चे भी पैदा होते हैं। तो यह साबित करता है कि आप कभी भी GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले अंतिम व्यक्ति नहीं होंगे। इसलिए जब भी आप GiveAndTake.World में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, चाहे आज हो या भविष्य में, निश्चित रूप से आपके पीछे लाखों लोग होंगे। मैं आपको GiveAndTake.World के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। इस समय पूरा विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय के दौरान GiveAndTake.World आपको एक बड़ी रकम कमाने का सुनहरा मौका दे रहा है, वो भी अपने समुदाय के 10 साथी नागरिकों की आर्थिक मदद करके।
आपको यह भी समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति समुदाय में दूसरों की आर्थिक मदद करने का फैसला करता है तो इसे अवैध गतिविधि नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा ऐसा करने से आप दूसरों की मदद करने की सामाजिक मानसिकता का निर्माण करेंगे और समुदाय के भीतर सहयोग उत्पन्न करेंगे। GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म से जुड़कर और इस कार्यक्रम को सभी को सिखाकर आप हमारे देश में डिजिटल संस्कृति को विकसित करने का हिस्सा बन सकते हैं। आप इसके माध्यम से नई मित्रता और संबंधों को भी पोषित कर सकते हैं। GiveAndTake.World को कुल PMF 1,00,000 रुपया मिलता है, वो भी केवल तब जबकि आप 10,00,000 रुपए की आर्थिक मदद प्राप्त करते हैं। इसलिए GiveAndTake.World की मार्केटिंग और प्रचार गतिविधियों को ऐसा बनाया गया है कि आपको 10,00,000 रुपए की स्टेज जल्द से जल्द मिल सके। यदि आपके पास 5 अज्ञात व्यक्तियों को 2,150 रुपए और प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी के रूप में 450 रुपए प्लस GST देकर आर्थिक मदद करने का दिल है तो आप GiveAndTake.World के माध्यम से स्वप्न राशि 82,95,500 रुपए तक वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जब आप GiveAndTake.World के माध्यम से किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप एक आम परिवार को वित्तीय सुरक्षा हासिल करने का मौका दे रहे होते हैं। 82,95,500 रुपए आपके लिए एक छोटी राशि की तरह लग सकता है। उस राशि के वास्तविक मूल्य को समझने के लिए आपको यह पूछना चाहिए, 100 लोगों में से कितने लोगों का मासिक वेतन या आय 25,000 रुपए से अधिक है। आंकड़े कहते हैं कि उनमें से केवल 20% ही एक महीने में 25,000 रुपए से अधिक कमाते हैं। तो 25,000 रुपए के मासिक वेतन वाले व्यक्ति के लिए 82,95,500 रुपए कमाने में लगभग 27 से 28 साल लगेंगे। उसका मतलब है 82,95,500 रुपए आम आदमी के लिए स्वप्न की रकम है, इसलिए आम लोगों के लिए उस राशि का बहुत बड़ा मूल्य है। आशा है कि अब तक आपको GiveAndTake.World की अच्छी समझ हो गई होगी। क्या आपको अभी भी अपना धन वापस पाने के बारे में संदेह है? अगर इसका जवाब हाँ है तो मैं आपको बता दूं कि जब लोग दूसरे लोगों की आर्थिक मदद करते हैं तो वे बदले में कोई उम्मीद नहीं रखते। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे व्यवसाय कहा जाता है, मदद नहीं। इसलिए जब आप 10 व्यक्तियों की मदद करने के लिए GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, जो पहले से ही प्लेटफॉर्म में शामिल हो चुके हैं और एक सामाजिक हस्ती के रूप में अन्य साथी सदस्यों की आर्थिक रूप से मदद करते हैं, तो आपको बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खासकर जब आप पैसे की जरूरत वाले लोगों को बिना शर्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। GiveAndTake.World के सदस्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली मार्केटिंग गतिविधियां, टॉप रिसीवर लिस्ट, GiveAndTake.World डिजिटल बिजनेस कार्ड, कॉलिंग प्रमोशन, GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के अपडेट और प्रचार प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज, Facebook ग्रुप, Instagram और Telegram चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, मेंबर एजुकेशन प्रोग्राम, फोन कॉल प्रेजेंटेशन, कस्टमर केयर, गिव एंड टेकर एंड सक्रिय मेंबर्स, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम वीडियो, मेंबर एजुकेशन वीडियो, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया विज्ञापन, GiveAndTake.World MNC डिस्काउंट कार्ड, अन्य प्रचार गतिविधियां। GiveAndTake.World से जुड़ें और 10 व्यक्तियों को बिना शर्त वित्तीय सहायता प्रदान करें और 150 रुपए से 82,95,500 रुपए तक सीधे वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करें। वो लोग जो GiveAndTake.World ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म में शामिल हुए हैं और अन्य लोगों की मदद करके और दूसरों से सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त की है
उनके वित्तीय विवरण के बारे में जानने के लिए वेबसाइट www.giveandtake.world पर जाएं। अभी giveandtake.world मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या ऑफिशियल वेबसाइट www.giveandtake.world पर जाएं। giveandtake.world ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के गिव एंड टेकर जो प्रमोशनल एम्बेसडर है के साथ संवाद करने के लिए वेबसाइट www.giveandtake.world पर जाएं। शामिल होने से पहले आपको giveandtake.world ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म के विचार और नियम और शर्तों को समझना चाहिए। जब आप 10 व्यक्तियों को बिना शर्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तो आप 150 रुपए से 82,95,500 रुपए तक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करते हैं। इस दुनिया में इंसान के लिए अकेले कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। बजाय समाज की व्यवस्था के हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। हटकर सोचिए, बदलाव जरूर आएंगे हमारे और हमारे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मदद करें, मिलकर काम करें और कमाएं। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने का एक अभिनव तरीका। कॉन्टैक्ट अस हॉटलाइन फोन 9846073366, ईमेल info@giveandtake.world, एड्रेस NP टावर फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 23/326/53 वेस्ट फोर्ट त्रिशूर केरला इंडिया पिन कोड 680004 ऑफिस टाइम 10 AM to 5 PM सहगरिक हुआ सहायक हुआ संबंधिक हुआ। వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।